ऑक्सीजन सुविधा के साथ 200 बेड उपलब्ध करवाने की मांग के लिए प्रहार के विदर्भ प्रमुख रंगमित्र गजू कुबड़े ने 12 घंटे के सांकेतिक अनशन करने की घोषणा जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन में की थी, जिसके पूर्तता न होने पर आज गजू ने अपने मकान की छत पर 12 घंटे का अनशन शुरू कर दिया। उप विभागीय अधिकारी चंद्रकांत खंडायत के मार्फत भेजे ज्ञापन में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए यहां पर बेड और अन्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हिंगनघाट समुद्रपुर तहसील के मरीजों को सुविधा के अभाव में सेवाग्राम सावंगी भेजा जाता है। इनाम और गरीब लोगों पर उसका आर्थिक बोझ पड़ता जा रहा है और साथ में परिवार वालों पर भी तनाव आता है। इस उप जिला रुग्णालय की इमारत बड़ी है, यहाँ पर आसानी से 200 बेड की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे इन गरीब आम आदमी को राहत मिलती। लेकिन ज्ञापन देने पर भी मांग पूरी नहीं होने पर गजू ने आज अपने मकान की छत पर अनशन शुरू कर दिया। हार स्टाइल से शुरू किए अनशन की ओर सभी की निगाहें लगी है। इस सांकेतिक अनशन के बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी है। प्रशासन ने मांगे पूरी नहीं की तो प्रहार स्टाइल से उग्र आंदोलन आगे करने की बात भी कही है। आमच्या माझी एकच मागणी आहे की हिंगणघाट उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये प्रशासनाने जे 50 बेडचे कोविड रुग्णालय या ठिकाणी जे सुरू केले त्याची क्षमता वाढवून 200 बेडचे रुग्णालय या ठिकाणी करावं। यामागचं महत्त्वाचं कारण असं आहे, हिंगणघाट समुद्रपूर तालुक्यामध्ये 3.5 लाख ते 4 लाख लोकांच्या जवळपास लोकसंख्या आहे आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता ग्रामीण भागात फैलला आहे। म्हणजे मी पाहतो रोजचे 70-80-100 जवळपास म्हणजे रुग्णाचे फोन राहते, सगळ्याचे बोलणं एकत्र राहते का भाऊ आम्हाला बेड पाहिजे, आम्हाला ऑक्सिजन पाहिजे। परंतु आपण मोठ्या मुश्किलनं खूप म्हणजे प्रयत्न केल्यावरही आपण फक्त 1-2 लोकांना मदत करू शकतो, बाकी पेशंटला हिंगणघाट उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये बेड नसल्यामुळे सेवाग्राम सावंगी वर्धा या ठिकाणी जावं लागते, कोणत्या पेशंटला नागपूरला जावं लागते आणि जाऊन फक्त फिरून वापस आपल्या घरी यावं लागतं। यामध्ये हजारो म्हणजे रुग्ण म्हणजे फिरून राहिले, कितीतरी रुग्ण याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडले। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।